नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। अज्ञात अपराधियों द्वारा बीटू माल के पास फायरिंग की खबर बिहार के भोजपुर के बड़हरा प्रखंड अंतर्गत कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार स्थित बीटू माल के पास अज्ञात अपराधियों द्वारा दिन में लगभग 3 बजे फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। मॉल में फायरिंग होते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। बीटू माल के प्रोपराइटर शुभम कुमार ने बताया कि मैं अपने पिता संजीव कुमार के साथ अपने माल पर था कि दो अज्ञात लोग बाइक से आए, मेरी दुकान पर फायरिंग कर दिया। हम लोग दोनों अपराधियों में से किसी को जानते पहचानते नहीं हैं। फायरिंग की आवाज होते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। नवरात्रि के अवसर पर होने के कारण बाजार में काफी भीड़ थी। घटना की सूचना मिलते ही कृष्णगढ़ थाना प्रभारी पवन कुमार अपने अन्य पदाधिकारी के साथ घटना स्थल पर पहुंच के घटना का मुआयना किया। थाना अध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि 2 की संख्या में आए हुए अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई। सीसीटीवी एवं अन्य सूत्रों से आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस जुटी हुई है। आगे बताया कि वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार कांड में संलिप्त आरोपियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि अभी तक दुकानदार के द्वारा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। भोजपुर बड़हरा से संवाददाता विजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। क्या घटना घटी है? हम और पापा दुकान पे थे, अज्ञात लोग 2 लोग आए और फायर फायरिंग करके और चले गए, बोले दुकान बंद कर दो। किस चीज़ से आए थे? बाइक से अपाची। और कुछ बोले? और कुछ नहीं बोले। हम लोग थाना, फिर थाना को सूचना दिए, थाना आया अपना संज्ञान ले। क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार। आपके प्रतिष्ठान का क्या नाम है? रिटू मोर। कहाँ पर स्थित है? सरैया बाजार।